जा रहा है रेवाड़ी के लिए और इधर जा रहा है दादरी के लिए, दादरी उत्तर प्रदेश इंडिया, ये देख सकते हो। और इसको ये RRTS क्रॉस कर रही है। और यहाँ तक आपको बता दूं कि इस लॉन्चर ने यहाँ तक ये पिलर जोड़ जा क्या ना बायोडक्ट को यहाँ तक कनेक्ट कर दिया इसने, जो कि मेरठ साउथ के स्टेशन से पहले यहाँ पर है ये लॉन्चर। और ये पिलर बचे हुए हैं जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ में इसमें वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर RRTS के कॉरिडोर पर दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों ये यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ का स्टेशन RRTS का। और इस पर देख सकते हो ये गार्टर लॉन्चिंग करने के बाद में, जब मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आप लोगों को तब गार्टर लॉन्चिंग स्टार्ट हुई थी। और इस पर देखो सारे में ही फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हो ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। ये देखो आप लोग अब यहाँ से डबल लाइन हो जाएगी, एक स्टेशन के अंदर चली जाएगी एक सीधी चली जाएगी। ये देख सकते हो गार्टर लॉन्चिंग करने के बाद में फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर ये स्टेशन आ चुका है, देखो ये है मेरठ साउथ का स्टेशन RRTS का दोस्तों। आपको बता दो कि इसमें प्लेटफॉर्म लेवल पर ही काम चल रहा है, देख सकते हो गार्टर लॉन्चिंग की जा रही है और पिलर को भी स्टैंड किया जा रहा है। देखो ये आर्म्स को स्टैंड किया जा रहा है बाहर की साइड में, देखो इधर ये फ्लोरिंग की जा रही है प्लेटफॉर्म लेवल के लिए। देख सकते हो दोस्तों ये सारे पिलर का जो बीम थे वो जोड़ दिए जा चुके हैं, इस पर जोड़े जाएंगे। देखो ये वाला बचा हुआ है जोड़ने के लिए, ये सेटिंग इन्होंने लगा दी है। देखो किस तरीके से जोड़े जाते हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये टीम लगी हुई है यहाँ वर्क करते हुए दोस्तों। आगे दिखाते हैं आप लोगों को कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है दिल्ली मेरठ RRTS। क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अभी रिसेंटली में ही बना है और दूसरी ये बनाई जा रही है RRTS दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। देख सकते हो ये स्टील के गार्टर इस पे ही रखे जा रहे हैं, ये स्टील के गार्टर रखे जा रहे हैं दोस्तों। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये देखो ये पिलर बन गया है, ये पिलर बनाया जा रहा है अभी, ये वाला सामने से सूरज पड़ रहा है तो आप लोगों को घुमा के दिखाते। देखो ये भी बन गया, देखो उधर भी बन चुके हैं सारे, देख सकते हो कि किस तरीके से इनका मुंह चमक रहा है दोस्तों। और आपको बता दें इस अंडरपास से ये मेरठ शहर के लिए चला जाता है, और आपको बता दूं कि अगर सीधे जाते तो ये बार बार निकल जाएगा मेरठ के, यानी कि मेरठ का बाईपास है ये अगर हम सीधे जाते हैं। मुजफ्फरनगर हरिद्वार ये जाके निकलेगा दोस्तों, देख सकते हो वो सामने वर्क चल रहा है अभी, पिलर को स्टैंड किया जा रहा है इस टाइम पे, ये देख सकते हो तस्वीर है। देखो वो वहाँ पर पियर कैप का काम भी किया जा रहा है उस साइड में, तो यही सीन है यहाँ का। इधर के पिलर तो ये बनके कंप्लीट से ही हो चुके हैं दोस्तों।
ये देख सकते हो सारे पिलर ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, खराब लगा हो फिर भी कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को थोड़ा सा घुमा करके भी घुमा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये पिलर भरा जा रहा है, देख सकते हो तस्वीर है। और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, देख सकते हो। और इस पर फ्लोरिंग का अब काम भी होना स्टार्ट हो चुका है। और ये है मेरठ साउथ का स्टेशन। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीर है। पर वर्क किया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों, ये देख सकते हो क्रेन मशीन लगी हुई है और इसमें बीम बीच में रख देने के बाद में दोस्तों फिर इसमें एक पिलर से दूसरे पिलर को, दोनों पिलर को जोड़ दिया जाएगा, लेफ्ट और राइट के दोनों पिलरों को, और जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो क्या ही नजारा है यहाँ का। और इतनी मेहनत करने के बाद में दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूँ कि कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा हुआ है। तो देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म लेवल के लिए ये बनाया जा रहा है, अभी पिलर को स्टैंड कर दिया इन्होंने और इस पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है प्लेटफॉर्म लेवल के लिए। देख सकते हैं ये पिलर बचा हुआ था, ये भी पिलर पे देखो रिंग लगाई जा रही है और रिंग लग जाने के बाद में इसको कंक्रीट की मदद से भर दिया जाएगा दोस्तों। ये देखो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इसमें फ्लोरिंग का काम भी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें के सारे में ही इसमें गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, अब फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है तेजी के साथ में। और ये जो जगह है ये है मेरठ साउथ स्टेशन है दोस्तों, मेरठ साउथ का। और आगे आ जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रूट दोस्तों, जो कि उस पर अब ट्रेन चलने स्टार्ट हो जाएगी, डबल डेकल मालगाड़ी चलेगी 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों, डबल डेकल मालगाड़ी। देखो लॉन्चर ये लगा हुआ है जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ चला जा रहा है दोस्तों। और जिस दिन इसने ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस किया था उस दिन मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना जाके, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं तो आप सभी को देख लेना। देख सकते हो ये क्रेन मशीन कितनी हैवी हैवी यहाँ पर और किस तरीके से ये क्रॉस करा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, कुछ इस तरीके से क्रॉस किया है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। और जो इसके विंग्स हैं देखो ये रखे हुए साइडों में, और मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।